हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ट्वेल्थ का भी वीडियो डालना शुरू करेंगे। कॉन्टिन्यूटी में छोटे छोटे एपिसोड्स बना के हम कॉन्टिन्यूटी में ट्वेल्थ क्लास की भी वीडियो डालेंगे। और ट्वेल्थ हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब होमवर्क जो देंगे वो एनसीईआरटी तो हर कोई करता है आरडी से। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको पुश कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास जाए। अगर कॉन्टिन्यूटी में नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। ट्वेल्थ में आगे चल के जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर बीच की क्लास मिस हो गई तो फिर जैसे कैलकुलस शुरू होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। जिस बच्चे ने बीच में क्लास छोड़ा उसको आगे समझने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो आज से हम प्रत्येक दिन रोज एक छोटा वीडियो डालेंगे ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक्स का। शुरुआत हम कहां से करने जा रहे हैं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नया टॉपिक है, इलेवेंथ में इसके बारे में आप नहीं जानते थे, ये नया टॉपिक है, ट्वेल्थ में ही इंट्रोड्यूस हुआ है ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, इस टॉपिक के पढ़ने से हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेज आएगा। तो इसमें देखो एक वर्ड दिख रहा होगा इनवर्स, क्या मतलब होता है इनवर्स का, पहले यह समझना जरूरी है इनवर्स। अक्सर अगर बच्चों से पूछा जाए कि बेटा एक्स का इनवर्स, एक्स का जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया है और इसका इनवर्स निकालो, तो बच्चे क्या बताते हैं, उलट देंगे सीधा, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, ये तो रेसिप्रोकल कर दिया तुमने। इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है, इनवर्स का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखो। इलेवेंथ क्लास में तुमने रिलेशन फंक्शन तो पढ़ा ही है, अरे थोड़ा बहुत तो याद होगा। अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है, मैंने इलेवेंथ में ये बताया था कि एक्स के जिस वैल्यूज के लिए एफ एक्स रियल नंबर देगा उसी सेट को हम डोमेन बोलते हैं, और एफ एक्स जो कुछ भी देगा वो रेंज होता है। यानी ये एक मशीन है, यहां तुम जो डालोगे वो हो जाएगा डोमेन, और जो इसमें से निकल के आएगा बाहर वो क्या हो जाएगा, रेंज। जैसे अगर तुमने थ्री डाल दिया इसमें क्या मिलेगा, डालो तीन प्लस एक चार अपॉन में दो, दो मिलेगा। पांच डालो, पांच डालोगे तो क्या मिलेगा, पांच एक छ और छ के अपॉन में दो तो तीन मिलेगा। ग्यारह डालो, ग्यारह और एक बारह, बारह के अपॉन में दो यानी सिक्स मिलेगा। इन अब देखो ये जो तीन पांच ग्यारह ये क्या है, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और ये जो दो तीन छ ये क्या है, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। यानी तीन प्री इमेज है, इसका इमेज दो है, तीन का इमेज क्या है दो, पांच का इमेज क्या है तीन, ग्यारह का इमेज क्या है छ, यानी तीन डालने पे दो मिला, पांच डालने पे तीन मिला और ग्यारह डालने पे छ मिला। इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो इनवर्स होगा उसमें दो डालोगे तो तीन मिलना चाहिए, तीन डालोगे तो पांच मिलना चाहिए और छह डालोगे तो ग्यारह मिलना चाहिए। इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स को ऐसे लिखोगे एफ इनवर्स एक्स, इसे पढ़ोगे एफ इनवर्स एक्स। इसका जो इनवर्स होगा ये होगा टू एक्स माइनस वन, क्या होगा टू एक्स माइनस वन। अब मैंने जो कंडीशन बताया उसको तुम चेक कर सकते हो, अगर इसमें टू डालोगे, देखो डाल के टू डालो थ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जब इसमें एक्स की जगह पे टू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर माइनस वन ये थ्री मिलेगा। अगर इसमें तीन डालोगे
डाल के देखो, जब ये तीन डालोगे तो क्या मिलना चाहिए, पांच मिलना चाहिए। तीन डाल के देखो, इनवर्स में जब तीन डालोगे, यहाँ डालो दो गुने तीन माइनस एक, दो तीन छः में से एक गया, पांच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। छः डालोगे तो क्या मिलना चाहिए, ग्यारह मिलना चाहिए। अगर इस इनवर्स में हमने सिक्स डाल दिया, टू इंटू सिक्स माइनस वन, क्या मिला, ग्यारह मिला। ध्यान से देखो, जो फंक्शन के डोमेन का सदस्य था वो उसके इनवर्स के रेंज का सदस्य हो गया, और जो रेंज का सदस्य था वो डोमेन का सदस्य हो गया। तो आप किसी भी फंक्शन का जब इनवर्स निकालोगे तो जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा। तो ये तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके इनवर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे इससे पहले तुमने साइन एक्स पढ़ा, अब साइन इनवर्स एक्स के बारे में जानना है। कॉस एक्स पढ़ा, अब कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जानना है। तो इनवर्स का मतलब ये होता है जो मैंने तुम्हें यहां पे बताया। रेसिप्रोकल और इनवर्स में अंतर है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है इनवर्स पढ़ लेते हैं सर, फायदा क्या होगा इसको पढ़ने से। हर कोई आज के डेट में फायदा ही ढूंढता है ना। अब इलेक्शन आ रहा है, सब कोई अपना फायदा ढूंढेगा, मेरा क्या फायदा है, मेरे को क्या मिल रहा है। अरे कहीं कहीं तो इतना करप्ट व्यवस्था है, दारू और एक 500 का नोट, अपना एक वोट, देखा हुआ है मेरा ये सब चीज, देखा हुआ है। अभी भी इतनी निरक्षरता है, इलिटरेसी अभी भी इतनी ज्यादा है कि दारू और पैसे पे लोग अपना वोट बेच देता है। उनको वोट की कीमत ही नहीं पता है कि वोट कितना कीमती होता है। एक वोट का कॉस्ट, मतलब आप जो वोट देते हो उसका क्या कॉस्ट है, क्या अहमियत रखता है वो देश के निर्माण में, देश के भविष्य के निर्माण में, ये लोगों को पता ही नहीं। खुद के बारे में सोचते हैं, होता है ना, सेल्फिश आदमी नहीं होता है। जो सेल्फिश होता है, आज भी जाओ उनको हजार रुपए दे दो, एक बोतल दारू दे दो, हो गया एक वोट हो गया। फायदा मैं वैसे बता देता हूं, यहां फायदा बताना बनता है। अब से पहले जब तुम टेंथ में थे तो तुम ऐसे क्वेश्चन किया करते थे कि साइन एक्स अगर 1/2 है तो एक्स क्या होगा। टेंथ की बात कर रहा हूं, आराम से तुम सॉल्व करोगे। ये देखोगे कि 1/2 साइन के टेबल में कहां आता है, कहां आता है, 30 डिग्री पे आता है ना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू लिख दोगे साइन पाई बाई सिक्स, अरे रेडियन में 30 को पाई बाई सिक्स से तो बोलते हैं, और एक्स क्या लिख दोगे, पाई बाई सिक्स। ये टेंथ का सॉल्यूशन था। इलेवेंथ में अगर इतना करोगे तो गलत हो जाएगा, ये तुम लोगों को पता है, नहीं पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, क्योंकि इलेवेंथ में एक टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो रिड्यूस कर दिया पिछले दो साल से। बहुत बढ़िया टॉपिक था ये, साइन एक्स 1/2 है तो एक्स का एक नहीं, अनगिनत वैल्यू आएगा ये। जैसे अगर इसी को इलेवेंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते कि साइन एक्स अगर 1/2 है तो एक्स क्या होगा, तब तुम इसको लिखते कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 एंड एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर में एन इंटू पाई बाई 6, एन बिलोंग्स टू जेड। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, अब एन के जगह पे तुम इंटीजर डालो और वैल्यू लो, जीरो डालोगे एक्स का एक वैल्यू आ गया, वन डालोगे दूसरा आ गया, दो डालोगे तीसरा आ गया, तीन डालोगे चौथा आ गया। इंटीजर डालते जाओ, वैल्यू लेते जाओ, बहुत सारे आंसर आएंगे। पाई बाई सिक्स ही नहीं आएगा, पाई बाई सिक्स आएगा, फाइव पाई बाई सिक्स आएगा। फिर अब सेकंड राउंड में जब घूम के आओगे तो 13 पाई बाई सिक्स आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, एक्स के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। तो ये तो चलो टेबल में 1/2 आता है, तुमने सॉल्व कर दिया। कभी सोचा तुमने कि अगर यही क्वेश्चन होता कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3, अब सॉल्व करना है,
भाई 1/3 तो टेबल में होता ही नहीं है, टेबल तो याद होगा तुम लोगों को, टेबल तो 10th में याद करवा दिया जाता है। साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, 45 1/√2 हो गया, 60√3/2 हो गया, 90 का वैल्यू 1 हो गया, 1/3 तो कहीं आया ही नहीं। अब क्या करोगे? अगर 1/3 टेबल में नहीं आया तो ऐसी कंडीशन में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनवर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। यानी यहाँ पे अगर एक्स को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स क्या हो जाएगा, साइन जब यहाँ से हटाओगे तो साइन इनवर्स 1/3 होगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। इस टॉपिक में बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, और ये दो नंबर का आता है आजकल बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर का आता है ये टॉपिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को अगर अप्लाई करना सीख जाओगे इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख गए। उनमें से भी कई सारी प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो चुकी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी बिल्कुल बेकार बना दिया है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ पेपर, 2-3 साल से देख रहा हूँ, इनवर्स का डोमेन रेंज निकालने के लिए आता है, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं कि इनवर्स मान लो साइन इनवर्स 2x² - 1 है, उसका डोमेन निकालो क्या होगा, उसका रेंज निकालो क्या होगा। साइन इनवर्स 2x² - 1 है, अगर डोमेन निकालना है कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको इनवर्स में। मतलब कई सारी ऐसी चीजें आप सीखोगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है और एग्जाम में आता है वो सब। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी सीखना है और प्रॉपर्टी को यूज करना सीखना है। सीख गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ये क्लास रखी थी, अब अगली क्लास में हम तुम्हें कम से कम 3 प्रॉपर्टी बताएंगे और उन तीनों को यूज करना सिखाएंगे और उसके साथ होमवर्क भी देंगे।